गुड मॉर्निंग। अभी अभी हम लोग जा रहे हैं महादेव के मंदिर, क्योंकि आज लास्ट सोमवार है श्रावण मास का। तो आज सभी लोग जा रहे हैं मंदिर पर, मैं, मम्मी पापा, भाभी, बड़े पापा और विपुल भाई दोनों गए थे पहले। अभी बड़ी मम्मी, देवम तीर्थ, हम सब लोग जा रहे हैं। आज सिद्धा देने का दिन है, क्योंकि लास्ट दिन होता है श्रावण मास का। तो सभी मंदिरों पर जो पुजारी होते हैं तो उन्हें सिद्धा देना होता है मंदिर पर, तो वही सिद्धा देने के लिए जा रहे हैं आज। उसकी ये प्यारी सी सोनू है, इसे अभी भूख लगी है। ये भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं अभी उसे छोड़ नहीं रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ तीसरा पार्लर में। मेरा कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है पार्लर का, पहले पूरा हो गया था, लेकिन अब एक्स्ट्रा थोड़ा सा स्टार्ट किया है मैंने। तो अभी 15 दिन में दहिसरा जाने वाली हूँ, तो मेरा टाइम है दोपहर का। तो अभी मैं और तीर्थ दोनों जा रहे हैं। तीर्थ भी मेरे साथ हर रोज़ आता है, क्योंकि पार्लर के एग्जैक्ट सामने ही तीर्थ के मौसी का घर है, तो तीर्थ वहीं पर ही रुकता है और जब तक मेरा कोर्स चलता है उसके बाद हम दोनों साथ में ही घर वापस आते हैं। तो अभी जा रहे हैं। देख रहे हैं वो है हमारी सातम आठम की, जन्माष्टमी की। तो छठ, सातम, आठम, यहाँ हम यहाँ इस तरह से ग्रास गरबा खेलते हैं। सारी जो लड़कियाँ होती है जिसकी शादी अगले साल हुई होती है, वो दूसरे साल सातम करने के लिए मायके आती हैं। जिसकी शादी हुई होती है और जो आते हैं उसे हम घोहिणियाँ बोलते हैं। तो सारी घोहिणियाँ सातम खेलने के लिए आती है यहाँ पर इस तरह से। तो दोपहर के बाद भी इस तरह से ढोल बजता है और सारी जो बहुएँ होती है, गाँव की बेटियाँ होती है, वो सब इकट्ठा होते हैं और रास गरबा खेलते हैं। रात को भी सेम इसी तरह से होता है प्रोग्राम। रात को भाई भी आते हैं, सब जो पापा, बड़े पापा हैं, भाई हैं, वो भी गाँव के होते हैं, समाज के, वो आते हैं। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा फंक्शन है और ये सातम आठम का जो प्रोग्राम है वो हमारे लिए बहुत ही खास होता है। तो इस तरह से हमारी जो परंपरा की जो रास गरबा है उसी स्टाइल में हम खेलते हैं।